Hey, what's up guys? It's Sahil Khan from Your Fit Heroes. आज हम लोग अपने biceps को train करेंगे, वो भी household items से. So let's begin. शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक हाउस होल्ड आइटम से. यहाँ पर मैंने एक वाटर बॉटल ले ली है. वाटर बॉटल लेने का उद्देश्य ये है कि हर किसी के पास में डंबल्स या बारबेल्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते या जिम के सेट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते. तो जिसके पास में कोई भी आइटम अवेलेबल ना हो वो कोई भी वज़नदार चीज़ ले सकता है, क्योंकि मसल को सिर्फ टेंशन फील होता है अपने ऊपर, ना कि उसे ये पता होता है कि मैं इतना केजीज उठा रहा हूँ या इतना LBS उठा रहा हूँ. तो आप कोई भी भारी चीज़ ले सकते हैं जिसको आप एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट करना चाहे. यहाँ पर आपको बाइसेप कर्ल करने के लिए एकदम कंट्रोल मूवमेंट लेनी. मैंने फर्स्ट रैप में आपको करके दिखाया कि स्पीड में अगर आप लोगे वही मूवमेंट को तो आप अनस्टेबल ही मूवमेंट करोगे. तो आपको एकदम स्टेबल मूवमेंट रखनी है. अपने शोल्डर को लॉक रखना है एक ही जगह पर. अपनी कोहनियों को, एल्बो की पोजिशन को सिर्फ अप एंड डाउन करना है, ना कि आगे पीछे अपनी कोहनियों को हलाना है. इस तरीके से आप बाइसेप कर्ल परफॉर्म कर पाएंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम लोगों ने बाइसेप कर्ल के लिए ही की है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने उसी बॉटल में से टावेल को पास कर लिया है. और यही एक्सरसाइज मैं अभी बायलेटरली कर रहा हूँ, मतलब दोनों हाथों से परफॉर्म कर रहा हूँ. अगर आपको वो वज़न, हर किसी के पास में बॉटल अलग अलग साइजेस में हो सकती है. अभी मेरे पास जो बॉटल अवेलेबल है वो 2.5 से 3 किलो के बीच में है. तो यहाँ पर मैं दोनों हाथों से इसे परफॉर्म कर रहा हूँ एक्सरसाइज को डेमोन्स्ट्रेट करने के पर्पज़ से. अगर आपको वो वज़न हल्का लग रहा हो तो आप सिंगल हैंडेडली भी कर सकते हो. जैसे आप देख रहे हो हम लोग बारबेल पे जैसे परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइज, वैसे ही हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं एक टॉवल और बॉटल की मदद से. जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको कंट्रोल मोशन रखनी है, आपको बिल्कुल ही स्टेबल मोशन रखना है ताकि आपको कोई भी नुकसान ना पहुँचे और एक्सरसाइज भी पूरी ढंग से हो. यहाँ पर बॉटल को आपको उतनी ही लेंथ तक पकड़ना है जितने को आप काबू कर पाए, वरना बॉटल आपको लग सकती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अगर आपके पास में फिर भी वो वेट आपको हल्का लग रहा हो किन्हीं कारण से, तो आप बैग वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बैग के अंदर मैंने उस बॉटल को और थोड़ा और वेट ऐड कर लिया है, जिससे एक प्रॉपर टेंशन मुझे हाथों पर महसूस हो रहा है. तो इस तरीके से हम लोग बाइसेप कर्ल को परफॉर्म कर पाएंगे. इसके बाद में हम लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमें यहाँ पर बेसिकली एक हैमर प्रीचर कर्ल को मिमिक करना है. जैसे हम लोग प्रीचर बेंच पर अपने हाथों को एक एलिवेटेड पोजीशन में रखते हैं और हैमर कर्ल उस पर परफॉर्म करते हैं, तो हमारे बाइसेप्स के ऊपर प्रॉपरली एक वर्क होता है और एक हमारी पीक के ऊपर वर्क होता है बाइसेप के. जैसे आप देख सकते हो मैंने सेम चीज़ यहाँ पर मिमिक की हुई है. टॉवल की हाइट को आपको अपने सर से ऊपर लेना है और आपकी जो एल्बो का एंगल होगा वो 90 डिग्री बनना चाहिए है आपके टॉवल पकड़ने के बाद. और अपनी बॉडी के पूरे वेट को अपने हाथों के ऊपर रख के आपको पीछे की तरफ लीन हो जाना है और अपने हाथों से ही आपको टॉवल को खींचना है. मोशन कंट्रोल रहेगी और एकदम स्टेबल रहेगी. जैसे आप देख रहे हो पीक पर प्रॉपरली वर्क हो रहा है सिर्फ एक टॉवल और बॉडी वेट की मदद से. हम लोगों ने यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं ली हुई है. तो सेम चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपने घर के हिसाब से, अपने घर के अकॉर्डिंगली. अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन.